हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट स्टूडेंट हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके दो पार्ट्स हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टूडेंट रिफ्लेक्शन पार्ट पे मैंने ट्वेंटी फोर जो हैं वो बनाए हुए हैं और उसमें मैंने वो सारा का सारा जो टॉपिक है रिफ्लैक्शन पार्ट वाला वो मैंने उसमें कवर कर दिया हुआ है तो अब स्टूडेंट उसके बाद ट्वेंटी फिफ्थ वीडियो नंबर ट्वेंटी फिफ्थ से जो है मैंने रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट कर दिया हुआ है तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों पिछले वीडियो देखने में तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगा आप उस लिंक को क्लिक करके भी मेरे पिछले वीडियोज़ देख सकते हो और कुछ वीडियो का मैं जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगा और साथ ही साथ मैं जो पिछले वीडियोज़ हैं इस चैप्टर के उसकी मैं प्ले जो है वो एंड स्क्रीन में डाल दूँगा तो आप एंड स्क्रीन पर भी जाके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हो या मेरे चैनल पे भी आप विजिट करके मेरे सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर ट्वेंटी नाइन तो आज का जो स्टूडेंट मेरा टॉपिक है वो है एप्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम स्टूडेंट ये जो एप्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का ये एक्चुअली रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जिस भी मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है उन दोनों की रेशियो जो होती है उससे जो हमें आंसर मिलता है वही होता है हमारा एप्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेटेड बाय स्मॉल एन जो हमारा स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं तो एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये स्टूडेंट्स की आ गई मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि स्मॉल एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी वेयर स्मॉल एंड स्टैंड फॉर रिफ्लैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम सी स्मॉल सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्मॉल वी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो चलो स्टूडेंट हम इसी फॉर्मूले पर कुछ नोमेरिकल डिस्कस करेंगे तो जो पहला नोमेरिकल है वो मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है और वो मैंने टेक्स्टल क्वेश्चन से लिया हुआ है तो इसके बाद स्टूडेंट मैंने तीन नोमेरिकल आपको ओर दिए इसमें जो कि अनसॉल्व हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं वो एज अ प्रैक्टिस में आपके लिए मैंने रखे हैं तो अगर आप स्टूडेंट ये पहला न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ लोगे तो आप डेफिनेटली आप जो है नेक्स्ट तीन जो न्यूमेरिकल हैं जो अनसोल्व हैं वो आप ख़ुद ही सॉल्व कर लोगे और ये वाला जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप देख सकते हो ये सी बी एस ई में टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया हुआ है तो चलो इस न्यूमेरिकल को सीखते हैं लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडक्स वन पॉइंट फाइव वट इज द स्पीड ऑफ़ लाइट इन द गलास द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि दो चीज़ों की वैल्यू हमें दी हुई है और तीसरी चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट अभी मैंने ऊपर रिलेशन आपको पढ़ाया एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इस रिलेशन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं एक तो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम जो कि स्मॉल हमारा स्मॉल एन है दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम वो हमारा स्मॉल सी है और तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो कि हमारा स्मॉल वी है तो स्टूडेंट हमें इन तीन में से कोई दो वैल्यू अगर हमें पता होंगी तो हम तीसरी वाली वैल्यू इस रिलेशन की मदद से हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास यानी ये हमारी एन की वैल्यू है वो है हमें हमारे पास दी हुई वन पॉइंट फाइव और उसके साथ साथ स्टूडेंट हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि होता है हमारा स्मॉल सी उसकी वैल्यू है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट ये जो इसकी वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की ये फिक्स है ये हर नोमेरिकल में थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ही होगी और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जिसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा वी नो दैट एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है v की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे ये जो रिलेशन है वो हम v के लिए चेंज कर लेंगे तो v हमारा आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में और n हमारा आ जाएगा c के डिनोमिनेटर में तो हमारा जो रिलेशन है वो बन जाएगा स्मॉल v इज इक्वल टू सी बाय एन स्मॉल एन और c की वैल्यू स्टूडेंट आप पर देखो सेकेंड लाइन में थ्री इंटू टेन की पावर एट अपॉन एन की वैल्यू दी है हमें वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव हमने एन की वैल्यू पुट कर दी तो थ्री को हम क्या करेंगे स्टूडेंट वन पॉइंट फाइव से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा टू तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड और ये किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट हमारे पास स्मॉल वी की और स्मॉल वी स्टूडेंट ऊपर देखो थर्ड लाइन में क्या दिया और स्मॉल वी किसकी वैल्यू है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जिसको हमने स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की नेक्स्ट जो तीन न्यूमेरिकल स्टूडेंट वो तीनों अनसॉल्व हैं मैं आपको तीनों न्यूमेरिकल का क्वेश्चन समझा देता हूँ और सॉल्व स्टूडेंट आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि स्टूडेंट जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तब तक आप स्टूडेंट सीख नहीं पाओगे मैं चाहे जितने भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दे दूँ जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नमेरिकल आपको नहीं आएंगे दो ये नुमेरिकल काफ़ी इजी हैं और रिलेशन भी काफ़ी इजी है और छोटा भी है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तीन चीज़ें हमारे पास वी सी और एन वी स्टैंड फॉर रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और एन स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तीन में से दो चीज़ें पता होंगी तो तीसरी हमने इसी रिलेशन को यूज़ करके फाइंड आउट कर लेनी है तो चलो बात करते हैं नुमेरिकल नंबर टू की नुमेरिकल नंबर टू में हमें क्या दिया है स्टूडेंट हमें दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम वो है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड और दूसरी हमें दी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो कि है टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हमें फाइंड एन करना है और एन के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या रिलेशन है एन के लिए हमारे पास रिलेशन है सी अपॉन वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें दी है थ्री इंटू टेन की पावर एट और स्पीड ऑफ जो मीडियम है वो यहाँ पे वाटर है वो हमें दिया है टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एट तो हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है जो एयर वाली वैल्यू वो ऊपर न्यूमिनेटर में आएगी और वाटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी दोनों को डिवाइड करो तो उससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा और जिसका आंसर आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री तो आई होप स्टूडेंट कि ये नोमरिकल नंबर टू आप खुद सॉल्व कर लोगे तो बात करते हैं नुमेरिकल नंबर थ्री की तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास अब स्टूडेंट ये जो नुमेरिकल नंबर थ्री है ये नुमेरिकल नंबर टू की तरह ही सेम टू सेम है सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है कि नुमेरिकल नंबर टू में जो हमारा मीडियम था वो वाटर था और इसमें जो मीडियम है वो हमारा ग्लास है तो दोनों का करने का तरीका सेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन तो उसका होता है यानी कि 3 10 की पावर फॉर्मूलाट को हमने रखना है में और टू इंटू टेन की पावर एट को हमने रखना है डिनोमिनेटर में और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट फाइव डिवाइड करने के बाद तो चलो स्टूडेंट आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया है और आप इसको खुद सॉल्व कर लोगे तो बात करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर फोर की द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज़ वन पॉइंट सेवन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी रूबी स्टूडेंट एक मीडियम है उसका हमने क्या करना है स्पीड ऑफ़ लाइट फाइंड करनी है यानी कि हमने वी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूबी का दिया हुआ है यानी कि हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू है वन पॉइंट सेवन और v स्मॉल v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट आप देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो एक ही होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स है वो है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है हमें एन की वैल्यू दी है वन पॉइंट सेवन और सी की वैल्यू दी है हमें थ्री इंटू टेन की पावर एट हमने किसकी फाइंड करनी है वी की चलो दोबारा से रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है एन और सी है हमारे पास वी की वैल्यू निकालनी है तो वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा स्टूडेंट वी ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और एन सी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी कि हमने क्या करना है इस न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो थ्री इंटू टेन की पावर एट वैल्यू दी है उसको रखना है न्यूमरेटर में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी की वैल्यू रखनी है 1.7 इसके डिवाइड में तो हमने इसको डिवाइड कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी अब स्टूडेंट बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर स्टूडेंट हमने पढ़ा था एप्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हमने पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा स्टूडेंट डिफरेंस है इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ़ लाइट इन अदर मीडियम स्टूडेंट उसकी डेफिनेशन में क्या था एब्सल्यूट वाली में कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर था या वक्यूम था टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम था और इसकी डेफिनेशन में क्या है इसकी डेफिनेशन में मीडियम वन मीडियम टू है यानी कि उसमें जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है अब इस वाली डेफिनेशन में फर्स्ट जो मीडियम है हमारा वो जरूरी नहीं कि वो एयर या वैक्यूम ही हो वो कोई और मीडियम भी हो सकता है जिसकी वजह से इसकी जो डेफिनेशन है उसमें चेंज आ गई है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे इसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू तो अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं इसके ऐसा यूनिट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कोई हमारे पास यूनिट है तो इसका आंसर है नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स एज इट इज़ द रेशियो ऑफ़ टू सिमिलर क्वान्टिटीज़ एक्चुअली क्या है स्टूडेंट हम देख रहे हैं दोनों फार्मूलों में ये इसकी जो रिफ्कटिव डेस्ट की जो फार्मूला है उसमें रेशो आ रही है और रेशियो में दोनों चीज़ें जो वो सेम है ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड तो न्यूमिनेटर में भी आएगा मीटर पर सेकेंड और डिनोमीटर में भी आएगा मीटर पर सेकेंड तो सेम यूनिट होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट वो यूनिट्स जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे इसलिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं आएगा समटाइम्स स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम तो आंसर आएगा नो no यूनिट्स या फिर नन ऑफ दीज भी हो सकता है ऑप्शन में अगर ऑप्शन दिए हुए तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन तो क्वेश्चन ये है जो टॉपिक है वो है वट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे क्या होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है तो हमारे पास स्टूडेंट्स के चार फैक्टर्स हैं पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम यानी कि मीडियम का नेचर कैसा है उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन थी और जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन पॉइंट फाइव और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू पॉइंट फोर टू तो आप देख रहे हो सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है तीसरा आ गया नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम कि सराउंडिंग जो इर्द गिर्द मीडियम है उसका नेचर कैसा है उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है तीसरा स्टूडेंट आ गया वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज कि जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है और चौथा फैक्टर आ गया स्टूडेंट टेम्परेचर कि उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कितना है तो स्टूडेंट ये थे हमारे फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो